देखो आरडीएफ फंड क्यों नहीं मिल रहा, उदे अनेक कारण ने। सरकारां जदों तक अपनी एनओसी नहीं भेज दियां अगला फंड नहीं आंदा, अपनी नलैकी छुपा रहा। लेकिन ये नीति आयोग की मीटिंग च ना जान दा जिहड़ा ये निर्णय लै रहे ने वो आरडीएफ फंड दे कारण नहीं है, वो केवल क्योंकि मोदी का विरोध करना है और विरोधियों के नाल अपने आप को जोड़ के दिखाना है और केजरीवाल को खुश करना है, क्योंकि केजरीवाल की दिल्ली की सरकार सिर तो लैके पैरों तक भ्रष्टाचार से लिबड़ी पई है। इस करके सारिया नूं खुश करन दे चक्कर च ये पंजाब का नुकसान मान साहब कर रहे ने। मैं उन्होंने ये कहना चाहना कि पंजाब के प्रति अपनी जवाबदेही बनाओ। ये जिहड़ियां बैठकां होंदियां इहदे अंदर पंजाब के हितों की गल करो, पंजाब के विकास की गल करो, पंजाब के किसी अच्छे प्रोजैक्टा की गल करो, ना कि केजरीवाल को खुश करने लिए पंजाबियों ने तुहानूं वोटां पाईआं। देखो जी, जद दा ये राज आया पंजाब च कानून दा राज नहीं है, कोई दिन ऐसा नहीं निकलदा जदों कोई हत्या नहीं होंदी, कोई लुट खसोट नहीं होंदी। और हर बार ये सरकार एक कोई बयान दिंदी है कि कानून व्यवस्था जिहड़ी है वो ठीक है, लेकिन वारदातां लगातार होंदियां रहिंदियां। अज तक जितने भी इंसीडेंट एक साल च होए किसी भी परिवार नूं ये न्याय नहीं दवा पाए। इस वेले पंजाब च जंगल राज है और इहदे लई अगर कोई सब तो ज़्यादा दोषी है तो मुख्यमंत्री मान साहब ने, क्योंकि होम मिनिस्ट्री उन्हां कोल है। और अगर इसे प्रकार पंजाब चलता रहा तो मैनूं लगता आने वाले समय के अंदर पंजाब की कानून व्यवस्था होर भी खराब होएगी। ऐसा कि भ्रष्टाचार नूं लैके ये सरकार जिहड़ी है वर्तमान दे दोहरे मापदंड ने, इन्हां दे मंत्रियां दीआं कैस्टां घूमण, इन्हां दे एमएलएआं दे प्यो शरेआम पकड़े जाण रिश्वत लैंदे होए, लेकिन ये कोई कार्रवाई नहीं करदे और केवल सूटेबिलिटी दे आधार ते कार्रवाई करदे ने। जित तक बीजेपी का कहना है कि राजनीतिक द्वेष नाल कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और अगर कोई दोषी है तो बख्शा नहीं जाना चाहिए।